गुजरात के अहमदाबाद में 48 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार करने की बड़ी कार्यवाही की गई है। आज अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने 48 बांग्लादेशियों को पकड़ा है, जिसमें कई महिला भी है, कई बच्चे भी शामिल है। इसमें अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के ACP भरत पटेल ने ये बताया है कि वो अवैध तरीके से अहमदाबाद के अलग अलग विस्तार में रह रहे थे, तो उनका जो कारोबार था, जो पुरुषों का जो कारोबार था, कोई जगह पर वो छुटक मजूरी करते थे, कोई भीख मांगने का भी काम करते थे, और जो महिलाएँ थी उनको जो एजेंट जो यहाँ पर लेके आए थे वो कहीं ना कहीं उनको देह व्यापार का भी धंधा करवाते थे। तो अभी उनकी जो मुहिम में जो बांग्लादेशी जो इलीगल तरीके से अवैध तरीके से अहमदाबाद में रह रहे, वो अभी उसकी मुहिम चालू रहेगी, और दूसरी जो कई जगह पे वहाँ पे ये लोग जांच पड़ताल कर रहे, और जो तरीके से उन्होंने आधार कार्ड जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए उसकी भी अभी तफ्तीश चल रही है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है आगे ही वाले दिनों में ये जो आंकड़ा है कहीं ना कहीं बढ़ सकता है, जो अवैध तरीके से बांग्लादेशी जो भारत में घुस के अहमदाबाद में घुस के रह रहे। उस समय से अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के द्वारा अहमदाबाद शहर जो विस्तार है उसमें जो गैरकायदेसर तरीके से जितने बांग्लादेशी नागरिक रह रहे उनको ढूंढ के डिटेन करके वापस बांग्लादेश भेजने की, या तो फिर वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है वो ढूंढ के उनके खिलाफ जो भी लीगल एक्शन लेने हैं, एक ड्राइव रखी है। उस ड्राइव के दौरान पिछले महीने 2 केस रजिस्टर्ड हुए थे, उसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग और मनी मतलब जो ट्रांजेक्शन है, और उन्होंने जो फोर्ज डॉक्यूमेंट्स बना के अपने आप को इंडियन सिटीजन बताया गया था, उस तरह के 2 ऑफेंसेस रजिस्टर्ड है, 8 लोगों को अरेस्ट किया गया था, और बाकी उस दौरान काफी सारे ऐसे फोर्ज डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी की, और उनकी जो मतलब टेक्निकल डिटेल्स जो है यहाँ से जो कॉल्स हो रहे थे बांग्लादेश वो भी मतलब जानने को मिला, और उसके तहत जितने भी मतलब जो एरिया है खासतौर पर जो अफेक्टेड एरिया से जहाँ पर बांग्लादेशी नागरिक रह रहे हैं वो खास तौर पे कुबेर नगर, नरोडा पाटिया, शाह आलम, दानी लिमड़ा और चंडोला लेक का एरिया है, और उसमें ज्यादातर बड़ी संख्या चंडोला लेक की है। इस ड्राइव के दौरान आज क्राइम ब्रांच के द्वारा कुल 48 लोगों को डिटेन किया गया है, और उनके पास से सारी मतलब जो उनका वेरिफिकेशन है वो क्लियरली वेरिफिकेशन होने के बाद उनके पास से वो सारे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं कि वो बांग्लादेशी नागरिक है, और बांग्लादेशी नागरिक होने से उनको आज डिटेन किया गया है। उसमें चाय भी है, एडल्ट भी है और कुछ माइनर भी है।